शहर में दिन प्रतिदिन हत्याओं के मामलों में इजाफा होता देखा जा रहा है। नंदनंदन पुलिस थाना अंतर्गत हुई हत्या का मामला अभी गरमाया हुआ था कि मंगलवार को कलमना पुलिस थाना अंतर्गत हत्या का एक और मामला सामने आया, जहां मामूली विवाद को लेकर शराब के नशे में एक दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि गरिमत ये रही कि पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी गणेश और मृतक विक्रांत घटना वाले दिन साथ में थे। वे दोनों साथ में शराब पीने गए, जिस दौरान विक्रांत ने उकसाते हुए कहा कि मामा तुम्हारे भांजे का मर्डर हो गया, तुमने क्या किया। इससे गणेश को गुस्सा आ गया और तैश में आकर आरोपी ने सामने स्थित टायर की दुकान से चाकू निकाला और चाकू से विक्रांत के गले पर वार कर दिया। विक्रांत खुद को बचाने की फिराक में भागा और एक जगह जाकर बैठा। तभी आरोपी गणेश ने विक्रांत को पत्थर फेंक कर मारा, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा। ये वाकया होते ही आरोपी फरार होने की फिराक में था, तभी पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। रक्ताचं थरवळे म्हणजे तिथं गेलो असता जो जखमी विक्रांत रूप भरू हा रक्त पडलेला होता। नंतर घटनास्थळी विचारपूस केला असता की असा म्हणजे गणेश नावाच्या इसमाने त्याला पहिले चाकूने आणि नंतर दगडाने मारलं। मग घटना जाणून घेतली असता गणेश आणि हा विक्रांत बरोबर होता, नंतर त्यांनी एका दारूच्या बट्टीवर दारू पण पिली आणि नंतर दोघं बसले असताना हा बोलला विक्रांत उर्फ भुरू की मामा तुम्हारा भांजे का मर्डर हो गया, तुमने क्या किया। त्या आरोपीला राग आला, त्याचं समोरच दुकान होतं टायर मोल्डिंगचं वगैरे, तिथून चाकू आणलं, त्याच्या गळ्यावर वार केला, नंतर तिथून तो पीडित पळाला आणि एका ठिकाणी बसला। तिथं हा गेला, त्याने तिथं दगड मारला आणि तो घटनास्थळून निघून चालला होता। तत्काळ मी घटनास्थळी वगैरे गेलो आणि आरोपीला ताब्यात घेतलं, पुढील तपास चालू आहे। पुलिस ने भले ही तत्काल इस मामले में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन आए दिन बढ़ती इन हत्याओं की वारदातों से कई सवाल या निशान फिर एक बार खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।